यह वीडियोज आप देख रहे हैं, इस वीडियो ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। दरअसल आपको इस वीडियो में जो हथियारबंद दिख रहा है, उसकी गोली से एक एक करके 6 लाशें गिर गई, जिसमें से 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे। तो दरअसल आपको बता दें कि यह घटना है MP के मुरैना के लेपा भिडोसा गाँव की, जहाँ पर जमीनी विवाद को चलते यह इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल यह घटना 10 साल पहले की है। इसी गांव में दो परिवार आमने सामने बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। कुछ समय बाद उनके बीच जमीनी विवाद हुआ और उस जमीनी विवाद में एक परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई और उस हत्या का इल्जाम उस दूसरे परिवार के ऊपर आया, तो केस हो गया और वह जो परिवार था वह गाँव छोड़कर चला गया, क्योंकि रंजिश हो चुकी थी, तो इस रंजिश में कुछ भी हो सकता था। तो इस केस को चलते हुए तकरीबन 10 वर्ष बीत गए। उसके बाद गांव वालों ने पंचायत बुलाकर उस केस को सुलटाया और उस केस को रफा दफा करने के लिए बोल दिया गया। तब अदालत में भी झूठी गवाही देकर इस केस को सुलटा दिया गया। तब उस जो बाहर चले गए थे गांव के, उन्होंने कहा कि क्या अब हम वापस आ सकते हैं, अपने जमीन जायदाद को संभाल सकते हैं। तब जिनके 2 व्यक्ति मरे थे उस वारदात में, तब उन्होंने भी हाँ भर दी कि आप आ सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो कुछ समय बाद जब खुशी के साथ वह गांव के व्यक्ति अपने गांव में आए, जब वह बाहर रह रहे थे तो खुशी भी थी कि बहुत साल बाद अपने गांव आ रहे हैं, और बड़ा खुश मिजाज उनका स्वभाव था। और अपने गांव में आते ही तब पहले से ही घात लगाए बैठे थे जिनके 2 व्यक्ति मरे थे, वह हथियारबंद लोगों के साथ, और उन्होंने ताबड़तोड़ लाठी डंडों से महिलाओं और पुरुषों पर वार करने शुरू कर दिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस एक हथियारबंद ने ताबड़तोड़ गोलियों से 6 लोगों की हत्या कर दी। तो यह बहुत बड़ा खूनी खेल को अंजाम दिया गया जमीनी विवाद के चलते। तो आखिर हम बात करते हैं कि सरकार हथियार क्यों देती है। आजकल हथियार लाइसेंस के बहुत लोगों को मिले हुए हैं। आखिर नेताओं और विधायकों की सिफारिश से ये लाइसेंस हथियार के मिल जाते हैं, यह क्यों मिलते हैं। इन्हीं लाइसेंसी हथियारों से भी बहुत ज़्यादा वारदातें आजकल होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो गैरकानूनी हथियार रखते हैं, अगर क्राइम को रोकना है तो उनके ऊपर भी बहुत सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि गैरकानूनी हथियार रखने से पहले 100 बार वह डरे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तब सभी तक यह जानकारी पहुँचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।